नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। देखिए, आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश की जिस तरह से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं कटेंगे पटेंगे का नारा के बेहद सक्रिय साबित हुआ। और देखिए, हमने देखा कि किस तरह के नतीजे भी यहाँ सामने आए। महाराष्ट्र की बात करें तो शानदार जीत हुई है महायुति की, और शानदार जीत के बीच जिसकी चर्चा हो रही है वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनके बयान की। और साथ ही साथ देखिए, इन चुनावों में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सब कुछ दांव पर था, और कहा जा रहा था कि अगर इस तरह के नतीजे नहीं होते या सफलता नहीं मिलती तो शायद उनके कद में कुछ कटौती हो सकती थी। लेकिन देखिए, अब जिस तरह से कटेंगे बटेंगे का नारा यहाँ पर सार्थक साबित हुआ है, नतीजे जिस तरह से उसमें तब्दीली देखने को मिली है, उसके चलते अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक ये चर्चा यहाँ पर रही। ठीक है, साथ ही साथ सवाल ये भी हो जाता है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तो हमने नतीजे देखे, लेकिन झारखंड में ये नारा काम क्यों नहीं कर पाया, ये भी सवाल यहाँ पर रहेंगे। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, सहयोगी मेरे साथ सोनी जुड़ेंगी। और सोनी, कटेंगे बटेंगे के नारा अब तक हम बात कर रहे थे, लेकिन अब इस नारे के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि जो पहले उनकी गलतियां थी वो इस बार उन्होंने नहीं दोहराया, और कहीं ना कहीं उनका ये जो नारा है उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। इस नारे के जरिए उन्होंने कई जनताओं के मन में भी अपनी जगह बनाई। जैसा कि विपक्ष हमेशा ही उनके हर एक चीज़ को साधता रहता है, कहता रहता है, और ये जो उनका नारा है कटेंगे बटेंगे, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि समाज में सभी लोग इक्वल हैं, कोई भी मतलब अन्य नहीं है। देखिए देखिए, विपक्ष ने कहीं ना कहीं से एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की, और उन्होंने कहीं ना कहीं हर तरीके से, हालांकि इतने रोड शो किए इन्होंने, हर तरह का प्रचार किया, उनका ये सारी चीज़ें उनका इसमें अच्छा और पॉजिटिव वे में देखने को मिला। और अगर हम बात करें तो मतलब अगर बात करें विपक्ष की, तो उन्होंने भी लगातार कहा कि ये इनका टारगेट रहता है हमेशा अलग अलग तरीके से जनता को लुभाने के, लेकिन कहीं ना कहीं उनको विश्वास था कि अब जो हमने पहले जो गलतियाँ की है थोड़ी बहुत चीज़ें, वो हमें इसमें दोहराने को ना मिले, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा हुआ। हालांकि शुरुआती रुझानों में हमने देखा कि उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, बट कहीं ना कहीं एंड टाइम पे पासा बिल्कुल पलटता हुआ नजर आया, अब बीजेपी की ने मतलब जीत हासिल कर ली। बिल्कुल, तो यानी अगर एक तरह से देखा जाए तो ये जो बयान है वो कामयाब होता हुआ नजर आया। और जो मंशा यहाँ पर रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बयान के जरिए सबको एकजुट करने की, वो कहीं ना कहीं जनता ने उस बात को समझा है, और वो प्रभाव भी यहाँ पर पड़ते हुए नजर आया। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर रैलियों की बात करें तो 5 नवंबर से 18 नवंबर तक, यानी उन्होंने महज 13 दिनों में 3 राज्यों यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में 37 रैलियां की थी। उन रैलियों में कटेंगे बटेंगे का जो नारा है वो काफी सुर्खियों में रहा। हालांकि विरोधियों ने कोशिश जरूर की थी, जैसे कि सोनी ने कहा कि विरोधियों ने कोशिश की कि उसे एक अलग ढंग से पेश करने की, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयान पर कायम रहे। न सिर्फ वो कायम रहे बल्कि जो पूरी बीजेपी है वो इस लाइन पर कायम नजर आई। और देखिए, खुद पीएम मोदी की भी अगर बात करें तो पीएम मोदी ने भी सीधे तौर पर कहा कि एक है तो सेफ है, और यही नारा जो है वो कहीं ना कहीं गूंजते हुए नजर आया। और देखिए, नतीजे अब आप सबके सामने हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे साथ जो सहयोगी हैं पंकज जी भी, उनसे भी यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि जिस तरह से चुनावी नतीजे यहाँ पर रहे हैं, लेकिन झारखंड में वो तस्वीर नजर नहीं आई है। पंकज जी मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, क्योंकि कटेंगे बटेंगे का नारा चुनाव से पहले भी हम चर्चाओं में था, और देखिए चुनाव के बाद भी जो है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में है, और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ते हुए, आप इस नारे को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री ने कोई ऐसे मंच से बयान दिया हो या मंच से कोई ऐसी लाइन बोली हो जो जनता पर भी इफेक्ट डालती और उनके जहन में भी बसती हुई नजर आती है। देखिए, 13 दिन 37 रैली, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो सीएम योगी का क्या डिमांड रहा था। ये उत्तर प्रदेश उपचुनाव में चलिए उनका था, झारखंड में और महाराष्ट्र में, हालांकि झारखंड में बीजेपी का उस तरह से प्रदर्शन नहीं रहा हो पाया जिस तरह के बीजेपी को उम्मीद, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो उम्मीद से परे, काफी मतलब उम्मीद से काफी अधिक है, उम्मीद से परे है। और ये देखिए, इस चुनाव में जो उपचुनाव हुआ या ये जो विधानसभा के चुनाव थे, इसमें एक नारा, स्लोगन और एक मोमेंटम जो सेट करने का किसी ने काम किया तो सीएम योगी ने किया। जैसे एक है तो से कटेंगे तो बटेंगे। अब देखिए, इसी एक है तो नेक है तो इसी, ये जो ये नारा था, इस नारे को आपको प्रधानमंत्री मोदी तक को उठाना पड़ा, और उसके बाद मोदी ने इस
बयान को आगे बढ़ाया और उन्होंने बोला एक है तो सेफ है। तो इस तरह का मोमेंटम उन्होंने ने, ने, ने फिक्स किया और जो जिस तरह से इनका सीएम योगी का डिमांड है और सीएम योगी मुझे लगता है जो पीएम मोदी का जो एग्रेशन है उसको वो फॉलो कर रहे हैं और आपको उसके बाद से जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं में और इसमें वो लोकप्रिय होते जा रहे हैं जिस तरह से उनका डिमांड हो रहा है उससे काफी ये है। और तो यानी सब एक तरह से माना जाए पंकज जी कि आने वाले दिनों में क्योंकि कहा जा रहा था कि ये जो चुनाव है इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सब कुछ दांव पर था, अगर शायद इस तरह की सफलता नहीं मिलती या इस तरह का प्रदर्शन नहीं रहता तो तोहमत उन पर भी आती, क्योंकि जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा उत्तर प्रदेश में जो डेंट यहाँ पर लगता नजर आया था। अब इसी के साथ जो जीत हमने देखी है, जो नतीजे सामने आए, हालांकि झारखंड में जरूर ये नारा काम ना कर पाया हो, इतना इफेक्टिव ना रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र जैसे कि आप कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज्यादा जो है इसमें कद बढ़ते हुए नजर आएगा। पहले ये देखिए हरियाणा, हरियाणा में जो मैं जब हरियाणा का चुनाव का परिणाम आया था तो उसमें मैं जो अखबार और ये सब पढ़ रहा था तो हरियाणा में जिन जिन सीटों पे सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किया था लगभग उन सभी उन सीटों पे, बहुत कम ऐसी सीटें थे जिसमें बीजेपी को जीत नहीं मिली, मतलब जिन जिन सीटों पे सीएम योगी गए जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार किया, मतलब सीएम योगी का चुनाव प्रचार करने का मतलब है आज के डेट में जिस तरह प्रधानमंत्री का है उस तरह से है जीत की गारंटी है। और सीएम योगी का कद इसलिए भी अब बढ़ता है अगर इस उपचुनाव में बीजेपी का यूपी में इस तरह से अगर प्रदर्शन नहीं रहता तो फिर सीएम योगी पे सवाल उठता। सीएम योगी का कद इसलिए भी अब बढ़ गया जो देखिए 9 में से आप 7 सीट जीतते हैं और वो 2 सीट जीतते हैं और वो सीटें भी जीतते हैं और साथ ही साथ ये दावा भी कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही थी कि 7 से 8 सीटें हमारे खाते में आने वाली है, तो कहीं ना कहीं जो कथनी थी वो करने में उन्होंने तब्दील करके निश्चित रूप से सबसे जो कुंदरकी और कटहरी का सीट बीजेपी के लिए जीतना जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, बीजेपी तकरीबन 30-32 साल से उस सीट पे नहीं जीत पाई थी, उस सीट पे भी बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी ने कमल खिलाया। तो इसके बाद जो अब जो है सो ये ना सिर्फ सीएम योगी के लिए 2027 का रास्ता आसान करता है, रास्ता खोलता है, बल्कि केंद्र में जो उनकी पूछ है और जो आप लोकसभा चुनाव के बाद जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पे उन पे जो सवाल उठने लगे थे उस वो सवाल भी सारे ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए। अब ये तय हो गया जो 2027 में अगर बीजेपी का कोई चेहरा होगा तो सीएम योगी ही उत्तर प्रदेश से चेहरा होगा। और इस जीत के साथ जो विपक्षी पार्टियों के एक मोमेंटम मिला था उत्तर प्रदेश के बहाने, जो उनको मोमेंटम मिला था केंद्र की राजनीति में, जैसे आज से जैसे शीतकाल का जो संसद सत्र शुरू हुआ है तो आज तो चलिए हंगामे के कारण संभल और कुछ और अन्य मुद्दों को लेके हंगामे के कारण स्थगित हो गया, अब परसों से फिर ये सत्र चलेगा। तो इस सत्र में आप देखेगा जो बीजेपी नेताओं का या एनडीए के नेताओं का जो बॉडी लैंग्वेज होगा ना वो काफी बदला हुआ होगा और आक्रामक होगा। और जो राहुल गांधी और इनका अखिलेश यादव का जो तेवर होंगे वो थोड़े ढीले पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर झारखंड की बात करें क्योंकि महाराष्ट्र के उत्तर पर देखिए तो झारखंड में तो ये नारा इतना इफेक्टिव नहीं रहा वहाँ पे। झारखंड में कई और मतलब और जो घुसपैठ वाला दाव भी चला था वो भी काम नहीं हो पाया। देखिए अब है क्या, जो हर समय तो आपकी जीत नहीं हो सकती, आप कोशिश करते हैं लेकिन झारखंड में नहीं चला। लेकिन झारखंड से जीत का जो ये जख्म है, अब जख्म क्या बोलेंगे, अगर नहीं मिला है तो ठीक है, झारखंड में बीजेपी की हार नहीं हुई है, बीजेपी जीत नहीं पाई है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है और सीटों की जो संख्या है लगभग वही है। तो बीजेपी वहाँ नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे कई शिबु सोरेन का जो के प्रति जो एक सेंटिमेंट्स था और उसके बाद से आदिवासी इलाकों में अभी तक जो पकड़ है सो बीजेपी का उस तरह से मजबूत नहीं हो पाया है। तो ये सब कई कारण हैं, अब पार्टी उसका भी मंथन करेगी, जैसे यूपी में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी का अच्छा मतलब ठीक प्रदर्शन नहीं रहा तो बीजेपी ने पार्टी ने उस पर मंथन किया, उनको उन जो कमजोरियां थी उसको दूर करने की कोशिश की, खामियों को दूर करने की कोशिश की। इसलिए आप देखेंगे जो पन्ना प्रमुख तक से बोला गया जो भैया आप जाइए वोटर को घर से निकालिए, तो इस बार के चुनाव में उपचुनाव में हम देखते हैं जो वोटिंग प्रतिशत भी थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो या तो बीजेपी का वोटिंग बढ़ा या फिर समाजवादी पार्टी ने अपने जो उनका जो कैडर का वोट था उसको निकालने में घरों से निकालने में कामयाब नहीं रही। लेकिन ये जो है कुल मिला के है जो सीएम योगी के इस चुनाव से कम
आप महाराष्ट्र के चुनाव को भी छोड़ भी दें तो कम से कम उत्तर प्रदेश में जो सीएम योगी का प्रदर्शन रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव में के तो बाद जो क्या हुआ था कि इन चुनावों में जो डेंट लोकसभा चुनाव के दौरान लगा वो हील होते हुए एकदम निश्चित रूप से, और उसके बाद से जो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को एक मोमेंटम मिला था या एक फ्लो मिला था, एक उनका जो मनोबल ऊंचा हुआ था उस पे घात हुआ है। और आप ये देखिए उत्तराखंड की भी जो बद्रीनाथ का सीट था, केदारनाथ का सीट, वो भी बीजेपी के खाते में आया। तो ये एक बड़ा मैसेज, क्योंकि जो अयोध्या में हार हमने देखी थी उसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि बद्रीनाथ सीट पर भी जो उपचुनाव हुए थे उस पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। और अब देखिए अब जो है सो आपको अयोध्या का कुंदर कौन सा सीट है मिल्कीपुर अयोध्या का जो मिल्कीपुर सीट पे अब हो सकता है जो कुछ दिनों बाद वहां का भी तारीख का ऐलान हो जाए, वहां भी मतलब उपचुनाव हो जाए, तो वो उपचुनाव का जो रास्ता था ना वो बीजेपी के लिए आसान हो गया है। अगर ये यहां से अगर इस तरह का उपचुनाव में बीजेपी का उस तरह से अगर प्रदर्शन नहीं होता है तो फिर ये सीट थोड़ी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन अब यहाँ भी जो अयोध्या का जो बदला है सो देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर हम अगर तीन राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरह से शानदार जीत हासिल की, हालांकि झारखंड में बेशक इतना फैक्ट लेकिन वहां पर भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटेंगे बटेगा का जो नारा है उस पर न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कायम रहे बल्कि पूरी बीजेपी और तमाम जो मंत्री नेता हैं वो भी स्टैंड लेते नजर आए। और देखिए यही वजह है कि जिस तरह से नारा दिया गया वो लोगों के मन में बसा, लोगों पर प्रभाव डाला और वो तमाम जो बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं नतीजों में तब्दील होती हुई नजर आए। लेकिन अब आगे किस तरह से का और बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नजर आएगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस विषय पर यहीं विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।